तो आप क्यों उमरी में उधर कोई व्यवस्था नहीं खाद है पर वहाँ मिलती नहीं है खाद के लिए है खाद वहाँ नहीं मिली हमारे यहाँ ब्लैक में जाती है किसान के हाथ में नहीं मिलती है। अभी खाना पीना कुछ नहीं खाया भूखे प्यासे बैठे हैं अब अभी मिली नहीं है मेरे को। वैसे तो किसानों को कभी भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए पर मध्य प्रदेश के किसान अभी संकट में हैं एन चुनाव के वक्त पर ना बिजली सप्लाई ठीक है ना खाद की और पानी की समस्या तो बनी ही हुई है। ये किसान रीवा और आसपास के हैं ऋण पुस्तिका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर बैठे हैं इस आस में कि सहकारी समिति से फर्टिलाइजर लेंगे। दिन निकल जाता है पर यह सबको मिलता नहीं। कई किसान हैं जिन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। किसान बहुत परेशान हैं हम सुबह से आए अभी खाना पीना कुछ नहीं खाया भूखे प्यासे बैठे हैं अब अभी मिली नहीं है मेरे को तो यही कहना है कि वहाँ व्यवस्था किया जाए। तो आने जाने में कितना टाइम लग जाता है? आने जाने में कम से कम एक घंटे तो लग ही जाते हैं जी। रोड भी खराब है बहुत ज़्यादा। कितना टाइम लगता है यहाँ? तो सुबह से शाम और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे दिन लेना पड़ता है मिल भी नहीं पाती है। खाद ना मिली तो फसल कैसे होगी और फसल ठीक नहीं हुई तो किसान खुशहाल कैसे होगा। धान का सीजन बिना बारिश के निकल गया गेहूं की बारी है तो अब खाद का संकट है। सरकार का ये रवैया किसान को तो महंगा पड़ने वाला है पर चुनाव के वक्त इसकी कीमत क्या किसान ही चुकाएंगे? सुबह से आए हैं अब मिली अभी मिली है। अच्छा मिल गई। हाँ मतलब तो पूरा दिन बीत जाता होगा। अब दिन भर से तो बता रहे हैं सुबह से आए हैं। तो आपके उमरी में उधर कोई व्यवस्था नहीं खाती है पर वहाँ मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? सोसाइटी में दे ही नहीं रहे हैं खाद के लिए है खाद वहाँ नहीं मिली हमारे यहाँ। और यहाँ की क्या स्थिति है कितने टाइम में मिल जाती है? अब यहाँ तो लाइन लगी है भाई हर जहाँ जहाँ खाद नहीं है सब दूसरे जगह के आ रहे हैं खाद लेने तो भीड़ तो है। अब हम हो गया एक घंटे हो गए हमको आए हुए। अच्छा उम्मीद क्या है कि कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी हाँ ये तो आशा है कि मिल जाएगी। अब समस्या ये है कि वहाँ जहाँ पास में वहाँ नहीं मिल रहा यहाँ मिल रहा तो क्या मतलब परेशानी तो है। अब वहाँ से ऑटो करके आ रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से आपका गांव? यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर से ऊपर है 15 किलोमीटर 20। हम लोग 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं और फिर पूरा दिन समिति में लंबी लाइन लगाकर खड़े रहना पड़ता है। लाइन में लगे लगे सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसके बाद भी हमें खाद नहीं मिलती। अगर समिति में 500 बोरी खाद उतरती है तो उसमें से किसानों को एकाध बोरी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसानों का आरोप है कि खाद भले ही 500 बोरी उतरे या 600 समिति के लोग इसे अपने मुनाफे के लिए ब्लैक में बेच देते हैं। ब्लैक में जाती है किसान के हाथ में नहीं मिलती है। जब ना गुड़ में उमरी की जनता गुड़ में खाद ना मिले तो उमरी के खैर नहीं बुवाई जुटाई होगी। कंटिन्यू उमरी के 10 लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो यहाँ क्या रहता है कितने टाइम में मिल जाते हैं? यहाँ 10 बजे आते हैं तो 2 बजे 3 बजे पहले नहीं मिलती है भीड़ में जी। और हम किसानों के लिए खाद बचे या ना बचे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एकड़ के लिए किसान को कम से कम 1.5 बोरी खाद मिलनी चाहिए। इस हिसाब से 5 से 7 एकड़ भूमि वाले किसानों को 10 से 12 बोरी खाद मिलनी चाहिए। किसानों का यह भी कहना है कि जब हम लोग पूरा दिन समिति में ही भूखे प्यासे बिता देते हैं तो खेत के बाकी काम कब करेंगे। देखने वाली बात है कि यह संकट किसानों के लिए ही रहेगा या फिर चुनावों पर भी इसका कोई असर होगा।